डायरेक्टली लिसन इन नाउ टू राहुल गांधी हु इज स्पीकिंग टू हमारी महिलाएं बैठी हैं, धूप में बैठी हैं, आप आपका भी बहुत स्वागत है। आज जब मैं यहां आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि गुजरात ने मुझे क्या दिया है। मैं आपसे कहना चाहता था कि गुजरात हिंदुस्तान का एक बहुत जरूरी प्रदेश है, मगर मैं आपसे पर्सनल बात करना चाहता था, कहना चाहता था कि गुजरात ने मुझे क्या दिया। और मैं सोचा, दो तीन मिनट मैंने सोचा और फिर जो जवाब मुझे मिला मैं आपको बताना चाहता हूं। थोड़ा लंबा जवाब है, जब मैं छोटा था मेरे पापा ने मुझे एक कहानी बताई थी, गांधी जी की कहानी थी, जो जब हमारी इंडिपेंडेंस की लड़ाई चल रही थी उस समय की कहानी थी। मैं आपको वो कहानी बताना चाहता हूं। गांधी जी आए थे, मोतीलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी इलाहाबाद रहते थे, और जब गांधी जी आए हमारे घर में आए तो जवाहरलाल नेहरू जी आंदोलन में जोरों से लग गए। मोतीलाल नेहरू जी को लगा कि भैया मेरा जो लड़का है उसको गांधी जी ने अपने कामों में लगा लिया, आगे पीछे दौड़ रहा है, यहां नहीं आता है। अंग्रेजों ने जवाहरलाल जी को एक दिन अरेस्ट किया और वो जेल गए, और मोतीलाल जी के बीच और गांधी जी के बीच में थोड़ा टेंशन था कि भैया मेरा बच्चा जेल में चला गया। रात का समय था, 4 बजे सुबह का समय था, मोतीलाल जी सो नहीं पा रहे थे, तो वो आनंद भवन के चारों ओर चक्कर काट रहे थे रात के समय। गांधी जी का कमरा था, लाइट बंद थी, उन्होंने अंदर देखा और देखा कि गांधी जी पलंग पे नहीं थे। बात समझ में नहीं आई, सोचा कि भाई गांधी जी कहां गए। अंधेरा था कमरे में, थोड़ा घूर के देखा मगर पलंग पे नहीं दिखे, उन्होंने लाइट चालू की, और जब लाइट चालू की एक कोने में गांधी जी उनको लेटे हुए दिखे, पलंग पे नहीं थे, जमीन पे थे। सर्दी का समय था, जब उन्होंने लाइट जलाई गांधी जी जगे और मोतीलाल नेहरू जी ने कहा भैया आप यहां क्या कर रहे हो, पलंग पे क्यों नहीं सो रहे हो। मोतीलाल नेहरू जी पलंग पे सो रहे थे उस समय, और गांधी जी उठे, उन्होंने कहा देखो जवाहरलाल जेल में है, वो जमीन पे सो रहा है, इसीलिए मैं जमीन पे सो रहा हूं। ये आपका इतिहास है, ये गुजरात का इतिहास है। गुजरात का मतलब ये इतिहास, और मुझे अगर मेरा राजनीति में कोई गुरु है तो वो गांधी जी हैं। और मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं, लोग सोचते हैं भैया गांधी जी की विचारधारा पुरानी है अब नहीं चलती, मगर मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मैं इस विचारधारा को और उनको अपना गुरु क्यों मानता हूं। 8 साल से मैं राजनीति में हूं और हमारे सामने, राजनेताओं के सामने
कठिन डिसीजन आते हैं, ये करें या वो करें। और अगर राजनेता को लंबी सोच रखनी है तो उनको अपने लिए नियम बनाने पड़ते हैं कि भैया ये मेरा नियम है, ये मेरा कानून है, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसको नहीं तोड़ूंगा। क्योंकि अगर आपके पास नियम नहीं होंगे तो आपकी लंबी सोच हो ही नहीं सकती। और गांधी नहीं सुनिए, गांधी जी का नियम क्या था? बहुत सिंपल सा नियम था, आसान कानून था। और उनका यह कानून था कि हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति को, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के हर एक व्यक्ति की आवाज सुननी चाहिए, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, लंबा छोटा, इस प्रदेश का उस प्रदेश का, किसी धर्म का किसी जात का, इज्जत हर व्यक्ति की आवाज की होनी चाहिए। और आज यहां जो मैं मीटिंग दे रहा हूं वो गांधी जी का काम है। अगर गांधी जी इस नियम को तब नहीं चलाते तो इस देश में लोकतंत्र नहीं आ सकता और ये मीटिंग नहीं हो सकती। ये गुजरात की देन है, गांधी जी की विचारधारा गुजरात की विचारधारा है। लोकतंत्र है देश में, आपका काम है, आपकी सोच, आपका देन। अब आप देखिए यूपीए की सरकार को देखिए, मनमोहन सिंह, सोनिया जी, बाकी जो हमारे मंत्री हैं, और हमारे प्रोग्रामों को देखिए। और सिर्फ यूपीए की सरकार के नहीं, पिछले 60-70 साल को देखिए। और मुझे एक प्रोग्राम का नाम बताइए जिसने किसी की आवाज छीनी हो। बैंक का नेशनलाइजेशन किया, हरी क्रांति लाए, किसान की आवाज को आगे किया। आपके जेबों में फोन है आपके पास, है ना? अच्छा, हाथ उठा के दिखाओ जिसके पास फोन है। सबके पास फोन है। कंप्यूटर क्रांति का काम, टेलीकॉम का काम राजीव गांधी जी ने और सैम पिट्रोडा जी ने किया है। ये जो आपके हाथ में है, सैम पिट्रोडा गुजरात के हैं, इसमें भी आपका हाथ है। आप देश को बढ़ाते हो, देश को आवाज देते हो। मनरेगा दिया हमने, रोजगार का अधिकार, इसमें हमने ये नहीं कहा भैया इन लोगों को हम अधिकार देंगे। हमने कहा किसी को भी रोजगार का अधिकार चाहिए, चाहे वो गुजरात का हो, पंजाब का हो, हरियाणा का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, रोजगार का अधिकार उसको मिलेगा। और हमने करके दिखाया। भ्रष्टाचार की बात होती है, जो पहले छुपा रहता था और जो आज गुजरात में अभी भी छुपा रहता है, उसको आरटीआई ने बाहर निकाला। हमें मालूम था जब हम आरटीआई को लागू करेंगे तो बहुत सारी चीजें बाहर निकलेंगी, मगर हमने किया क्योंकि हम आप लोगों को, आम आदमी को आवाज देना चाहते हैं।
आदिवासियों के लिए उनकी जमीन वापस दी, उनको आवाज दी। भोजन के अधिकार की बात हो रही है, हर व्यक्ति को हम भोजन देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि आप लोग इस देश की शक्ति हो। आम आदमी, गरीब अमीर, मगर आप सब इस देश की शक्ति हो, इस प्रदेश की शक्ति हो। और राजनेता का काम क्या होता है, जो गांधी जी ने सिखाया है, राजनेता का काम होता है इस आवाज को सुनो और समझो, अपने जो सपने हैं उनको परे करो, इस आवाज के जो सपने हैं उनके लिए लड़ो। यह गांधी जी का कहना था। गुजरात में आम आदमी की आवाज नहीं चलती है। आपकी जो सरकार है और आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं, आपकी आवाज तो नहीं सुनना चाहते हैं, वो सिर्फ अपनी आवाज को सुनना चाहते हैं। उनके सपने हैं, उन सपनों के बारे में वो सोचते हैं। सच्चा राजनेता जो होता है वो आपके सपनों को अपना सपना बनाता है, और वो अपनी आवाज को शांत करता है और आम आदमी की आवाज, गरीब की आवाज, कमजोर की आवाज को बढ़ाता है, सुनता है इस आवाज को। जब गांधी जी उस कमरे में लेटे थे, वो अपनी आवाज नहीं सुन रहे थे, वो जवाहरलाल नेहरू और उन हिंदुस्तानियों की आवाज सुन रहे थे जो जेल में लेटे हुए थे। राजनेता का यह मतलब होता है। यहां पे लोकतंत्र है, मैंने कहा गुजरात की देन है, गांधी जी की देन है। असेंबली यहां कितने दिन बैठती है किसी को मालूम है? गुजरात में असेंबली कितनी देर चलती है साल में, कितने दिन चलती है? हां, हाथ उठाया बताइए आप, आपका नाम क्या भैया? हां बताओ भैया। एक दिन? एक दिन तो नहीं चलती है, 25 दिन चलती है। मानसून में एक दिन चलती है। आप वोट देते हो, आप कहते हो भैया हमारी आवाज है ये वोट, और असेंबली 25 दिन चलती है साल में। और जब चलती है तो विपक्ष के लोगों को उठा के बाहर फेंक दिया जाता है कि वो कहीं गलत काम ना, गलत बात ना कह दे, गलत सवाल ना उठा ले। जन लोकपाल की बात हुई, हम बिल लाए, पार्लियामेंट में बीजेपी ने हराया, बहुत खुश थे उस दिन, मुस्कुरा रहे थे, भैया हरा दिया हमने। गुजरात में लोक आयुक्त है? हैगा? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि यहां आपकी आवाज नहीं सुनाई देती है, आपकी आवाज यहां सुनाई नहीं देती है। यहां सिर्फ एक आवाज सुनाई देती है, सिर्फ एक आवाज सुनाई देती है। गुजरात में आरटीआई में 14,000 एप्लीकेशन पेंडिंग है। क्यों पेंडिंग है? क्योंकि आपकी आवाज नहीं सुनाई देती है। भ्रष्टाचार छुपा हुआ है, बंद कमरों में है, उसको बाहर लाना है, मगर नहीं, एप्लीकेशन नहीं लिए जाएंगे। और शक्ति आपकी आवाज में है, शक्ति किसी एक व्यक्ति में नहीं होता है, शक्ति गुजरात की आवाज में है, गुजरात के आम आदमी में है, गुजरात के आदिवासी में है, गुजरात के युवा में है। और उस शक्ति को
दबाया जा रहा है। बहुत अच्छी मार्केटिंग होती है, गुजरात चमक रहा है। आप मुझे बताइए यहां पानी कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है बताइए एमपी साहब, कितना मिलता है? हर तीसरे दिन पानी मिलता है 25 मिनट, हर तीसरे दिन मिलता है 25 मिनट पानी। मगर मार्केटियर कहते हैं भैया गुजरात चमक रहा है। मार्केटियर कहते हैं गुजरात चमक रहा है, पानी नहीं है, रोजगार नहीं है। भैया कितने अनएम्प्लॉयड लड़के कितने हैं यहां पे गुजरात में? 10 लाख। जोर से बोलो भैया, 10 लाख। 10 लाख, 10 लाख लड़कों के पास, लड़कियों के पास रोजगार नहीं है, मगर गुजरात में चमक है, बहुत अच्छी चमक है। चुनाव का समय है, आपको डिसीजन लेना है। मैं आपको सिर्फ एक काम के एक बात कह सकता हूं, गुजरात को एक व्यक्ति नहीं चला सकता है और एक व्यक्ति नहीं चलाता है। गुजरात को गुजरात की जनता चलाती है, आम आदमी चलाता है। जो आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, वो चलाएंगे गुजरात, वो भविष्य है। और आप में जो शक्ति है उसने सिर्फ गुजरात को नहीं बदला है। अभी यहां दिल्ली में ब्राजील के प्रेसिडेंट आए, लूला नाम के हैं, उनसे बातचीत हो रही थी और उनसे मैंने पूछा, भैया जब आप राजनीति के बारे में सोचते हो आपके नियम क्या हैं? एकदम गांधी जी, एक सेकंड नहीं लगा। जब मैं राजनीति के बारे में सोचता हूं मैं गांधी जी के बारे में सोचता हूं। उधर नेल्सन मंडेला है, उनसे पूछो, वो कहेंगे भैया जब मैं लड़ा गांधी जी की शक्ति मेरे साथ थी। और ये एक नहीं है, दो नहीं है, ये लाखों नेता हैं और उनमें मैं भी हूं जिसको आपने रास्ता दिखाया है। आप दूर दूर से आए, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद।